हम बात कर रहे थे मुलेरियन एजेनेसिस एंड एआईएस के डिफरेंशिएटिंग पॉइंट पे। तो व्हाट टेस्ट कैन हेल्प टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू कंडीशंस। फर्स्ट वन इज दी कैरियोटाइप, कैरियोटाइप, एंड इट इज द बेस्ट टेस्ट, इट इज द बेस्ट टेस्ट। ओके, देन सेकंड इज द यूएसजी, पता चल जाएगा। थर्ड थिंग इज द लेप्रोस्कोपी, फोर्थ इज द सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल, सॉरी। ओके, अब आप कहेंगे कि सर इतना पढ़ाया, बट क्वेश्चन कहाँ से आता है? क्वेश्चन आता है, सीधा का सीधा क्वेश्चन आएगा, एंड आप अपना आंसर भी चैट बॉक्स में डालिए। चैट बॉक्स मैंने ऑन किया है, और आप अपना भी चैट बॉक्स ऑन करें और आंसर डालें। कैन पेशेंट्स ऑफ मुलेरियन एजिनेसिस हैव देयर ओन बेबीज? अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। कैन कैन पेशेंट ऑफ दी एआईएस हैव देयर ओन बेबीज? हैव देयर ओन बेबीज की भी बात करें, तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो केवल आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर वो बात कर रहे हैं मुलेरियन एजिनेसिस की, तो मुलेरियन एजिनेसिस में मैंने बताया था कैरियोटाइप इज 46XX। ओके, जहाँ पे गोनेड इज ओवरी, तो ओवरी है तो मीन्स वहां पे ओवम वगैरह नॉर्मल है, तो वहां पे सरोगेट मीन्स वहां पे हम क्या कर सकते हैं, आईवीएफ कर सकते हैं। तो वहां पे आईवीएफ करके फिर सरोगेट मदर में करके और उसका ओन बेबी होगा। ओके, बट इन एआईएस जहां पे मैंने बोला 46XY है, तो वहां पे डेफिनेटली बिग नो, बिग नो। तो केवल इतना सा ध्यान रखना, अगर एआईएस है तो वहां पे नो आंसर करना है, बट अगर मुलेरियन एजेनेसिस के अंदर ओन बेबी की बात की है तो वहां पे आईवीएफ करके वो ओन बेबी कंसीव कर सकते हैं। ओके, सॉरी, तो कोई भी आपको डाउट नहीं है अब तो? ठीक है, अगर मैं बात ले, अभी तक हम जो बात कर रहे थे किसकी बात कर रहे थे, एमेनोरिया, एंड एमेनोरिया में सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स प्रेजेंट हैं, तो वहां पे हमने क्या किया था, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स में सबसे पहला जो टेस्ट किया था वो क्या किया था हमने, यूपीटी। एंड यूपीटी में अगर बात करें प्रेगनेंसी टेस्ट, एंड अगर यूपीटी अगर नेगेटिव था तब हमने क्या किया था, इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ द यूट्रस, ऑफ द यूट्रस, जिसके अंदर यूट्रस अगर एब्सेंट है, तब मैंने दो कंडीशंस बताई थी आपको, कौन कौन सी, एक तो मुलेरियन एजेनेसिस एंड सेकेंड वन इज दी एआईएस। बट अगर यूट्रस बिल्कुल नॉर्मल है तब क्या करेंगे, यूट्रस बिल्कुल नॉर्मल है तो हम क्या करेंगे, लुक फॉर द आउट, लुक फॉर द आउटफ्लो
ट्रैक, लुक फॉर द आउटफ्लो ट्रैक एबनॉर्मलिटी, एंड आउटफ्लो ट्रैक एबनॉर्मलिटीज कौन कौन सी हो सकती है, वो कहीं पर भी हो सकती है, लाइक हमारा एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम में हो सकती है, सर्विक्स में हो सकता है, या एबनॉर्मलिटी वेजाइनल ओपनिंग में हो सकती है. ओके, तो जिसको क्या कहते हैं, वेजाइनल ओपनिंग में हाइमन, इनपरफोरेटेड हाइमन, सर्वाइकल स्टीनोसिस, एंड एंडोमेट्रियम में क्या डेवलप हो सकता है, एसरमान सिंड्रोम. तो हम एक एक को लेके पढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम वेजाइना में बात करते हैं. तो सबसे पहले वेजाइना की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इम परफोरेटेड हाइमन. अगर इम्परफोरेटेड हाइमन है तो वहां पे किस तरीके की हिस्ट्री देखने को मिलेगी, हिस्ट्री मिलेगी हमारे को प्राइमरी एमेनोरिया, प्राइमरी एमेनोरिया. ओके, सेकंड वहां पे क्या मिलेगा हमारे को, डेफिनेटली क्योंकि यूट्रस नॉर्मल है तो वहां पे साइक्लिकल एब्डोमिनल पेन मिलेगा, साइक्लिकल एब्डोमिनल पेन. जहां पे एक्यूट कंडीशन अगर है, तो वहां पे क्या मिलेगा, यूरिनरी रिटेंशन, एंड यूरिनरी रिटेंशन क्यों डेवलप होता है, नेक्स्ट पॉइंट से समझ में आएगा. इट इज ड्यू टू, अगर साइक्लिक एब्डोमिनल पेन है तो यूट्रस में डेफिनेटली ब्लीडिंग तो डेवलप होगी ही होगी. तो वहां पे जो ब्लीडिंग होगी तो वो कहां पे स्टक हो जाएगी, आइदर इन दी वेजाइना है और आइदर इन दी यूट्रस. अगर ब्लीडिंग कलेक्ट इन टू दी वेजाइना, इट नोन एज ए हिमेटोकॉल्पस, एंड इट कलेक्ट इन टू दी यूट्रस, इट इज नोन एज ए हिमेटोमेट्रा. एंड इन दोनों की कंडीशन की वजह से ही क्या डेवलप होता है हमारा, यूरिनरी रिटेंशन, बैक प्रेशर की वजह से. ठीक है, एंड ऑन एग्जामिनेशन हमारे को ऑन वेजाइनल एग्जामिनेशन वेजाइना कैसी देखने को मिलेगी, ब्लूइश बल्जिंग मेम्ब्रेन्स देखने को मिलेगी. ओके, तो सिंपल ट्रीटमेंट है. ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस, आईओसी इज द इंसिजन. बट हमारे को इंसिजन पता होना चाहिए, इट इज क्रूशिएट इंसिजन. अगर वहां पे क्वेश्चंस, क्योंकि आजकल हाई लेवल के आते हैं, तो हमारे को पता होना चाहिए इट इज ए क्रूशिएट इंसिजन. कौन सा इंसिजन लगाते हैं, क्रूशिएट इंसिजन. ओके, फिर सेकंड, जैसे कि मैंने बताया हमने वेजाइना की बात कर ली है, अब हम स्टिनोसिस की बात करते हैं. तो मींस सर्वाइकल स्टिनोसिस में हमारे को क्या मिलेगा, हमारे को पिन पॉइंट एक्सटर्नल ओस. यहां पे हमारे को क्या देखने को मिलेगा, सेकेंडरी एमेनोरिया. एंड ट्रीटमेंट सिंपल सा ट्रीटमेंट है, इट इज दी डायलिटेशन ऑफ दी ओस. ओके, अगर हम बात करें थर्ड कंडीशन जो कि यहां पे ये रही, थर्ड इज दी एंडोमेट्रियल में मैंने नाम लिया था किसका, एसरमान सिंड्रोम. ये क्या चीज है, देखिए एसरमान
एसएमएन सिंड्रोम एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारा यूट्रस की इंटरनल एंडोमेट्रियम वॉल होती है, तो वहां पे एंडोमेट्रियम का क्या हो जाता है, एट्रोफी डेवलप हो जाता है। और एक्चुअल में ये किसी भी मल्टीपल क्यूरेटास की वजह से डेवलप हो, तो इस तरीके से जिग जैग एंडोमेट्रियम डेवलप हो जाती है, ठीक है, एडहेशन डेवलप हो जाते हैं, ठीक है ना, एंडोमेट्रियम में। और ये क्यों होते हैं, ड्यू टू दी क्यूरेटास, ओके, क्योंकि डिलीवरी के बाद में एंडोमेट्रियम बहुत ज्यादा फ्रेजाइल होती है, और उसके बाद में अगर आपने पोस्ट पार्टम में जो मेम्ब्रेन्स रहती हैं वो क्यूरेटास से हटाने की कोशिश की, या कहते हैं ना ट्रैक्शंस लगाने की कोशिश किया, तो वो क्या होता है, फ्रेजाइल होने की वजह से वहां पे एडिशन डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम आपस में एडिशन हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एसएमएन सिंड्रोम बोलते हैं। तो हमारे को वर्ड याद रखना है, एंडो एंडोमेट्रियम एट्रोफी, ओके, फॉर्मेशन ऑफ दी इंट्रा यूटराइन एडिशन इंट्रा यूटराइन एडिशन, ओके। यहाँ पे क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे भी सेकेंडरी एमेनोरिया एंड मोस्ट कॉमनली अकर आफ्टर दी क्यूरेटेस डन फॉर दी केस ऑफ दी पीपीएच, ओके। अब जब मैंने ऑप्स में पढ़ाया था पीपीएच, तब मैंने आपको एसरमैन सिंड्रोम एक्सप्लेन किया था, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो यहां तक आपको तीनों चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब मान लीजिए जो मेरा ये फ्लो चार्ट चल रहा है, इसी को मैं कंटिन्यू करता हूं, कि मान लीजिए मैंने देखा आउटफ्लो एंड आउटफ्लो एबनॉर्मलिटी मिली, बट मान लीजिए इंटरनल एग्जामिनेशन किया, इंटरनल एग्जामिनेशन में यूट्रस बिल्कुल नॉर्मल है, आउटफ्लो ट्रैक बिल्कुल नॉर्मल है, नो नो आउटफ्लो ट्रैक एबनॉर्मलिटी, तो हम क्या करेंगे, तब हम हार्मोन एग्जामिनेशंस करेंगे, तब हम हार्मोन एग्जामिनेशंस करेंगे, मेनली किसके, टीएसएच, प्रोलैक्टिन एंड एफएसएच, ओके। तो हम एक एक हार्मोन को लेकर वापस से पढ़ाई देखते हैं। तो सबसे पहला हार्मोन है टीएसएच। टीएसएच इज एसोसिएटेड विद दी मेस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, ओके। आप सबको पता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हाइपोथायरॉइडिज्म एंड ऑल, सारी चीजें हमने प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में क्लियर किया है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं प्रोलैक्टिन की, तो वो भी मैंने वैसे क्लियर किया है, बट सिंपली देखिए, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया कॉजेस दी एमेनोरिया, कॉजेस दी एमेनोरिया, क्योंकि आपको पता है प्रोलैक्टिन नेगेटिव फीडबैक देता है किसको, जीएनआरएच को, एंड जीएनआरएच को अगर नेगेटिव फीडबैक दिया है तो जिससे क्या हो जाएगा, डिक्रीज दी एलएच एंड एफएसएच, एंड उससे क्या डेवलप होगा, एमेनोरिया। तो ये जब मैंने प्रोलैक्टिन, आप मेरा एंडोक्राइनोलॉजी वाला चैप्टर जाके एक बार वापस से रिवाइज करना, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करें फॉलिक एफएसएच की, तो अगर एफएसएच लेवल अगर हाई है, तो वहां पे एबनॉर्मलिटी इन सीन इन दी एब सीन इन दी ओवरी,
ओके, तो वहां पे ओवरी में क्या एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलेगी? प्री मैच्योर, प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर, प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर। सॉरी, प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर मीन्स लेस देन 40 इयर्स में एज हमारे को बतानी चाहिए। प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर का मोस्ट कॉमन कॉज इज रेडिएशन इंजरी, रेडिएशन इंजरी, कीमोथेरेपी, मम्स एंड गैलेक्टोसीमिया। गैलेक्टोसीमिया डायग्नोसिस कैसे बनेगा प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर का? कि जहां पे हमारे को एफएसएच का लेवल कितने से ज्यादा मिला, हाई तो मिलेगा बट कितने से ज्यादा हमारे को पता होना चाहिए, ग्रेटर देन 40 इंटरनेशनल यूनिट ऑन टू ओकेजन्स वन मंथ अपार्ट इन एट केस ऑफ लेस देन 40। ओके, इसी तरीके से हमने टीएसएच, प्रोलैक्टिन एंड एफएसएच की बात की है। तो अब लास्ट हार्मोन हमारा बचता है कौन सा? इस्ट्रोजन्स। अगर इस्ट्रोजन्स लेवल अगर नॉर्मल है तब हम किसके लिए सोचेंगे? पीसीओएस के लिए। एंड पीसीओएस आपको भी पता है, हम लेवल देखेंगे हमारा सोनोग्राफी एंड ऑल करके। अगर इस्ट्रोजन्स लेवल क्या है, लो है, तब हम देखेंगे कि हमारे ओवरी एंड अल्टीमेटली क्या रहेगा, एफएसएच। तो ये कैसे पता चलेगा हमारे को कि हम पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस के लिए सिंपली एमआरआई ऑफ द ब्रेन करा लें, एमआरआई ऑफ द ब्रेन। ओके, क्योंकि वहां पे पता चलेगा कोई भी ट्यूमर है या ट्रॉमा है या कोई इंफेक्शन है। ओके, अल्टीमेटली हम एमआरआई ऑफ द ब्रेन करा के हम क्या देख रहे हैं, पिट्यूटरी एंड हाइपो थैलेमस को। ओके, अगर मान लीजिए पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस एमआरआई कराने पे क्या निकले, फिर भी नॉर्मल निकले, तब हम इसको क्या करेंगे, तब हम इस पेशेंट को डायग्नोस कर देंगे इट इज ए केस ऑफ द लास्ट कंडीशन बचती है हमारे पास में, इट इज ए केस ऑफ द फंक्शनल हाइपो थैलेमिक, फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया। ये क्या कंडीशन है आप सबको भी पता है, जैसे कि एग्जाम से पहले जो मेंसेस बंद हो जाते हैं तो उसको हम ये डायग्नोसिस लिखते हैं, फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया है। ये क्यों डेवलप होता है? ड्यू टू दी स्ट्रेस। तो यहाँ पे साथ में क्या मिलेगा हमारे को, एनोरेक्सिया नर्वोसा। मेनली किसकी वजह से? स्ट्रेस। ओके, तो ये पूरा एमेनोरिया का चार्ट रहता है जो हमारे को पता होना चाहिए। ठीक है, एंड एमेनोरिया के जो चार्ट है तो उसके अंदर
और आई थिंक कुछ बचा नहीं होगा। तब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जस्ट होल्ड अ सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक इज इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी किसको बोलते हैं? इनएबिलिटी टू कंसीव इवन आफ्टर अ 1 ईयर ऑफ द अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। तो टाइम पीरियड याद रखना है हमारे को, केवल और केवल इसमें से 1 ईयर। इनफर्टिलिटी आप सबको पता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो टाइप से हो सकती है। पहले इनफर्टिलिटी स्टार्ट करने से पहले हमारे को दो टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। टर्मिनोलॉजी क्या है? फेकुंडेबिलिटी एंड सेकेंड टर्मिनोलॉजी इज दी फेकुंडिटी। फेकुंडेबिलिटी मीन्स दी इट इज दी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग प्रेगनेंसी विद इन सिंगल मेंस्ट्रुअल साइकिल। सिंगल मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके, अचीविंग दी प्रेगनेंसी, ओके, एंड फेकुंडी फेकुंडिटी मींस दी इट इज दी प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग ए लाइव बर्थ, इंपॉर्टेंट वर्ड है, लाइव बर्थ विद इन सिंगल मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, तो ये दो टर्मिनोलॉजी कई बार क्वेश्चंस में पूछी गई है, तो हमारे को फेकुंडेबिलिटी एंड फेकुंडिटी का पता होना चाहिए। ओके, तो कई बार है ना, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आप अपना चैट सेक्शन ऑन करें और आंसर करें मेरे को कि व्हाट इज द चांस कि अ फीमेल एंड मेल दोनों ही नॉर्मल है एंड अनप्रोटेक्टेड सेक्स कंडक्ट करते हैं ऑन द डे ऑफ द 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। व्हाट इज द चांस ऑफ प्रेगनेंसी? ऑप्शन ए 100%, दोनों ही बिल्कुल नॉर्मल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की है, किसी भी तरीके की कोई एबनॉर्मलिटीज नहीं है, तो व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट एट 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे? ए ऑप्शन 100%, बी ऑप्शन 90%, सी ऑप्शन इज 50%, डी ऑप्शन इट इज 5%। व्हाट इज द चांस? नहीं,
हर एक का आंसर जा रहा है 100% और 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, आंसर इज ओनली एंड ओनली 5%, ओनली एंड ओनली 5%, या मोटे मोटे तौर पे कह सकते हैं लेस देन 10%। ओके, एक्चुअल में इसके पीछे कहते हैं कि ये एक तरीके से नेचुरल नेचुरल इनफर्टिलिटी है। नेचुरल इनफर्टिलिटी मीन्स दी, अगर ये भगवान की तरफ से दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि अगर हर बार जो ओवम एंड स्पर्म मीट हो तो वो वहां पे हमारा जायगोट फॉर्मेशन हो ही हो, फर्टिलाइजेशन हो ही हो, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए अगर ये पॉसिबल होता तो आज हर क्या होता कि ह्यूमन की जो जनरेशन है वो चींटियों से भी ज्यादा होती, तो इसीलिए इसको कहते हैं नेचुरल इनफर्टिलिटी। तो ये जो हम टाइम पीरियड देखते हैं किसके लिए, टू डायग्नोस द केस ऑफ द इनफर्टिलिटी। तो हम उसकी इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन में हमने क्या बोला था, अ कपल विद द मीट रेगुलरली विद अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स फॉर ए टाइम पीरियड ऑफ दी 1 ईयर। तो हमने ये 1 ईयर ही क्यों लिया, क्योंकि हमारे को पता है कि अगर वो नॉर्मल डे पे अगर इंटरकोर्स करते हैं तब भी चांस ओनली एंड ओनली लेस देन 10% है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप एटलीस्ट 1 ईयर तक साथ में रहें, ओके, तब हम डायग्नोस करेंगे। अगर उसके बाद में भी नहीं अचीव होता है, कंसीव होता है, तब हम उस केस को हम क्या डालते हैं, इनफर्टिलिटी के केस में डालते हैं। फंडा क्लियर, कोई डाउट नहीं, तो हम कहाँ चल रहे थे। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं फेकुंडेबिलिटी, जो ये क्वेश्चन डेवलप हुआ था इसी फेकुंडेबिलिटी से डेवलप हुआ था। इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग द प्रेगनेंसी इन अ सिंगल मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके, इट कॉल्ड एज ए फेकुंडेबिलिटी। ओके, देन अब हम बात करते हैं इटियोलॉजी पे। इटियोलॉजी में अगर हम बात करें तो मेल फैक्टर कितना रहेगा, 30 to 40%, एंड फीमेल फैक्टर्स कितने रहेंगे, 40 to 55%, 40 to 55%। ओके, हमारी क्लास 10 मिनट्स में ओवर हो जाएगी, तो प्लीज चैट बॉक्स में डालिए कि क्या हम क्लास को कंटिन्यू करें या ना, है यहाँ पे ओवर करें। नो सर मीन्स नो ओके, ओवर करेंगे यहीं पे। ओके ठीक है, तो मोटा मोटा क्लासिफिकेशन आप तो समझ लीजिए इनफर्टिलिटी का, फिर हम नेक्स्ट सॉरी तो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट इनफर्टिलिटी से। तो मोटा मोटा क्लासिफिकेशन समझ लीजिए इनफर्टिलिटी की कॉजेज में। इटियोलॉजिकल कॉजेज में मेन फैक्टर रहता है किसका, फीमेल का, जो कि 40 to 55% है। अगर फीमेल फैक्टर्स की भी बात करें तो उसका भी क्लासिफिकेशन है, और वो किस तरीके से है, ओव्यूलेटरी फैक्टर, ओव्यूलेटरी फैक्टर इज 27%, ट्यूब्यूलर फैक्टर एंड यूटराइन फैक्टर इट इज 22%,
अदर फैक्टर्स आर 9%, ओके। तो यहाँ पे 30 और 40% ये आ गए, अदर 99% आ गए, रिमेनिंग 17% क्या रहते हैं, अनएक्सप्लेन्ड रहते हैं, जिसका कोई भी आंसर नहीं कर सकता, अनएक्सप्लेन्ड। अब क्यों डेवलप हो रही है हमें नहीं पता। इनफर्टिलिटी डेवलप हुई है, इसके अनएक्सप्लेन्ड कॉजेस कितने रहते हैं, 17%, ओके। तो ये मोटे मोटे तौर पे क्लासिफिकेशन रहता है इसका। अच्छा, एक 5 मिनट है हमारे पास में, तो हम सबसे पहले जो बात कर लेते हैं वो रहता है हमारा फीमेल फैक्टर, एंड फीमेल फैक्टर्स में सबसे कॉमन कौन सा है, ओवेरियन। ओवेरियन फैक्टर्स की अगर बात करें तो ओवेरियन फैक्टर ये क्या रहता है, मोस्ट इजीली डायग्नोस हो जाता है और मोस्ट इजीली ट्रीटेबल कॉज रहता है, मोस्ट इजीली ट्रीटेबल कॉज ऑफ द इनफर्टिलिटी, इजीली ट्रीट कर सकते हो इनको। तो अगर ओव्यूलेशन फैक्टर की बात करें कि अगर एन ओव्यूलेशन, ओके, एन ओव्यूलेटरी कॉजेस की अगर बात करें तो मोस्ट कॉमन एन ओव्यूलेटरी कॉज हमारे को ये पता होना चाहिए, इट इज पीसीओएस, पीसीओएस, ओके। तो इससे पहले आपने को ये पता होना चाहिए कि हाउ टू व्हाट आर द टेस्ट ऑफ द ओव्यूलेशन, कि साइक्लिक ओव्यूलेटरी है या एन ओव्यूलेटरी है। तो टेस्ट उससे पहले लिखिए, टेस्ट ऑफ द ओव्यूलेशन कौन कौन से टेस्ट करके हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ओव्यूलेटरी साइकिल्स है या एन ओव्यूलेटरी साइकिल्स है। तो फर्स्ट टेस्ट इज दी बेजल बॉडी टेम्परेचर, और अभी जो मैंने आपको सारा प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का खेल बताया था वो आप आपके काम आएगा। तो प्रोजेस्टेरोन हैज दी थर्मोजेनिक इफेक्ट, सो ओव्यूलेटरी साइकिल अगर है तो वहां पे बीपी, बेजल बॉडी टेम्परेचर क्या रहेगा, इज बाईफेजिक, ओके। मींस जो हमारा टेम्परेचर रहेगा D14 तक आते आते हल्का सा डाउन आएगा, देन आफ्टर D14 वो वापस से रेज होने लगेगा, बट बिफोर मेंसेस वो वापस से डिप होने लगेगा, ठीक है ना। तो इसी प्री मेंस्ट्रुअल फॉल को, प्री मेंस्ट्रुअल फॉल क्यों हो रहा है, ड्यू टू दिस प्रोजेस्टेरोन, ओके। जैसे मैंने बताया था प्रोजेस्टेरोन हाई लेवल कब होता है, ऑन 21 डे पे हाई लेवल होता है, ठीक है ना। तो ये जो लेवल हाई होता है तो वो कितना लेवल हो सकता है, हाई लेवल 0.5 डिग्री फॉरेनहाइट, 0.5 डिग्री फॉरेनहाइट से ज्यादा। तो ये जो बाईफेजिक वेरिएशन मिलता है, इट शोज दी इट इज ए ओव्यूलेटरी साइकिल, ओके, जहां पे प्रोजेस्टेरोन मेनली वर्क कर रहा है। सेकंड टेस्ट इससे इजी टेस्ट है, जो कि हमने देखा था, सर्वाइकल म्यूकस। हमारे को पता है सर्वाइकल म्यूकस कि अगर प्री ओव्यूलेटरी में कैसा रहेगा, मतलब प्री ओव्यूलेटरी मींस बिफोर डे 14 एस्ट्रोजन इफेक्ट की वजह से वो कैसा रहेगा, थिन कोपियस, बट पोस्ट ओव्यूलेटरी मींस आफ्टर D14 प्रोजेस्टेरोन इफेक्ट की वजह से, आप पीछे नोट्स भी खोल के देख सकते हो, प्रोजेस्टेरोन इफेक्ट की वजह से वहां पे क्या मिलेगा, थिक एंड स्केंटी सर्वाइकल म्यूकस मिलेगा। एंड सिंपल सा वे है इसको डायग्नोस्ट करने का, टेस्ट ऑफ ओव्यूलेशन का थर्ड थिंग इज कि यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन लेवल देख लो, प्रोजेस्टेरोन लेवल देख लो ऑन द डे 21,
एट डे 21 मैंने क्या बोला था, मैक्सिमम रहता है। तो अगर मैक्सिमम है मीन्स ग्रेटर देन 3 नैनोग्राम पर एमएल, तो अगर मिलता है कोई भी तब तो ये कहलाएगी हमारी ओविलेटरी साइकिल। कोई कंफ्यूजन नहीं ओविलेटरी एंड ओविलेटरी डायग्नोस्ट करने में? ठीक है, तब हम वापस से आते हैं हमारे इसमें, जस्ट होल्ड अ सेकंड। हाँ, एन ओविलेटरी में मोस्ट कॉमन कॉज इज दी पीसीओएस। अदर देन दिस एन ओविलेटरी में कॉज कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन, हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन जिसको हम किस नाम से जानते हैं, कालमन सिंड्रोम, कालमन सिंड्रोम। सेकेंड इज दी हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया, हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया। देन प्राइमरी हाइपोथायरॉइडिज्म, प्राइमरी हाइपोथायरॉइडिज्म पीसीओएस का है ये। देन डायबिटीज मेलाइटस, ओके। दीज आर दी एन ओविलेटरी। ओके, अदर ओवेरियन फैक्टर्स लाइक लूटियल फेज डिफेक्ट, लूटियल फेज डिफेक्ट एलपीडी, ओके, एंड लूटिनाइजिंग अनरप्चर्ड फॉलिकल्स, वो इंपॉर्टेंट है नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लूटियल फेज डिफेक्ट एंड ऑल। ओके, अब हम बात करते हैं ट्यूबल फैक्टर्स की। तो आई थिंक ये आज के लिए सफिशियंट रहेगा, तो ट्यूबल फैक्टर को हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, ट्यूबल फैक्टर्स। ओके, तो वहां पे हम ट्यूबल फैक्टर की बात करेंगे, ट्यूबल फैक्टर्स में कौन कौन से ट्यूबल फैक्टर्स आ सकते हैं, देन यूट्राइन फैक्टर, देन सर्वाइकल फैक्टर, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपने इनफर्टिलिटी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। ओके।